जिंदगी में कुछ बनना, जिंदगी में कुछ बनना, कुछ हासिल करना, कुछ हासिल करना, कुछ जीतना, तो हमेशा अपने दिन की शुरुआत तो हमेशा। क्या शाहरुख नहीं चाहते फिल्म में एक्शन? किस अदाकारा के साथ काम करना चाहते हैं सलमान? क्या फिल्म का गाने का अकास्टिक वर्जन गा सकती हैं आलिया भट्ट? शाहरुख खान इंडस्ट्री के शहंशाह ऐसे ही नहीं कहलाए जाते हैं। इसके पीछे की वजह काफी बड़ी है। वो समय समय पर प्रूव करते आए हैं कि क्यों वो डिजर्व करते हैं इस इंडस्ट्री पे राज करना, और अब एक बार फिर से वो इस बात को प्रूव करने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं आज शाहरुख खान और सलमान खान की सुपरहिट फिल्म करण अर्जुन की, जो अपने टाइम की सबसे सुपरहिट फिल्मों में से एक रही थी, और अब इतने सालों बाद ये वापस आ रही है अपने दर्शकों के बीच नए अंदाज में। इनके फैंस इन्हें एक साथ एक बार फिर से देखना चाहते हैं एक ही मूवी में, और शाहरुख और सलमान अपने फैंस को नाराज कभी नहीं होने देते। फिल्म करण अर्जुन के रीमेक की चर्चाएं काफी ज्यादा हाइप बनाकर रखती हैं। जब से फिल्म की मेकिंग की अनाउंसमेंट हुई है तभी से फैंस काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं। अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो खबरें ऐसी आ रही हैं कि फिल्म करण अर्जुन में हो सकता था एक्शन, क्योंकि ये सलमान स्टारर फिल्म है तो एक्शन होना लाजमी सी बात है। लेकिन इस बार शाहरुख के हिसाब से कुछ नया ट्राई करना सही रहेगा, और उन्होंने ये भी खुल के जाहिर किया था कि वो अब एक्शन कर करके लेटली बोर हो चुके हैं और अपने चॉकलेट बॉय अवतार को फिर से फैंस के सामने वापस लाना चाहते हैं। फिल्म करण अर्जुन की फीमेल लीड को लेकर भी काफी र्यूमर्स उड़ती ही रहती हैं, क्योंकि कोई भी एक्ट्रेस नहीं फिक्स की गई है इस रोल के लिए। वो एक अलग बात है कि नाम काफी सुनने में आए हैं, लेकिन अब हाल फिलहाल में ही एक काफी इंटरेस्टिंग न्यूज सामने आई, जिसमें ये सुनने में आया कि सलमान खान सोनाक्षी सिन्हा को चाहते हैं फिल्म में बतौर लीड, जिसके लिए वो मेकर्स को कन्विंस करने की काफी कोशिश कर रहे हैं। दर्शकों ने इस खबर पे अपनी अजम्पशंस लगाना स्टार्ट कर दिया है। पिछले दिनों आलिया भट्ट भी काफी सुर्खियां बटोरती दिखी थी, और इसकी वजह थी रणबीर के साथ उनकी शादी, लेकिन उसके अलावा भी वो अपनी आने वाली फिल्म ब्रह्मास्त्र को लेकर काफी चर्चाओं में हैं। आलिया को लेके बातें हो रही हैं कि आलिया पहले प्रूव कर चुकी हैं कि एक्टिंग के साथ साथ वो सिंगिंग में भी परफेक्ट हैं, तो करण अर्जुन के मेकर्स ने उन्हें अप्रोच किया है इस फिल्म में अकॉस्टिक वर्जन गाने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि आलिया करेंगी इस ऑफर को एक्सेप्ट? अपने व्यूज हमारे साथ जरूर शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ यही इसी चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।